कैसे छोटो लगे। नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप लोग इस्लामपुर हाई स्कूल ग्राउंड से, जहां पर देख पा रहे हैं कि अभी अभी एक हेलीकॉप्टर जो है वह ट्रायल के लिए यहां पर उतरी है। और इस दृश्य को देखने के लिए कुछ ही क्षणों में यहां पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में देख पा रहे हैं इस्लामपुर के आम जनता, साधारण व्यक्ति जो है इस वक्त इस्लामपुर हाई स्कूल ग्राउंड में पहुँच चुके हैं। देख पा रहे हैं सीधा प्रसारण इस वक्त इस्लामपुर हाई स्कूल ग्राउंड से, जहाँ पर देख पा रहे हैं जिस हेलीकॉप्टर से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आ सकती हैं, उस हेलीकॉप्टर का इस वक्त जो है ट्रायल चल रहा है। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं इस्लामपुर हाई स्कूल ग्राउंड से, देख पा रहे हैं अभी अभी जो है वह हेलीकॉप्टर जो है इस्लामपुर के हाई स्कूल ग्राउंड में आ पहुंची है। और यहां पर सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं और इस दृश्य को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस वक्त देख पा रहे हैं आम जनता, साधारण व्यक्ति जो है इस्लामपुर हाई स्कूल ग्राउंड में उपस्थित हुए हैं। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं इस वक्त इस्लामपुर हाई स्कूल ग्राउंड से, देख पा रहे हैं हेलीकॉप्टर जो है इस वक्त इस्लामपुर हाई स्कूल ग्राउंड में आ पहुंची है। और जो जानकारी आ रही है कि हो सकता है कि राज्य के मुख्य शहर में प्रवेश कर सकते हैं इस्लामपुर शहर में है उनकी। और देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रायल के रूप में जो है हेलीकॉप्टर इस वक्त जो है इस्लामपुर शहर के हाई स्कूल ग्राउंड में आ पहुंची है और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके साथ इस वक्त जो है बातचीत कर रहे हैं। देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें इस्लामपुर शहर के हाई स्कूल ग्राउंड से, देख पा रहे हैं उस वक्त लाइव संप्रसारण देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें, जहां पर हाई स्कूल ग्राउंड में जो है इस वक्त हेलीकॉप्टर आ पहुंची है और इस वक्त इस्लामपुर थाना के जो आईसी हैं उनके साथ जो अधिकारी हैं हेलीकॉप्टर के वह बातचीत कर रहे हैं। और इस दृश्य को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में, कुछ ही क्षणों में आपको बताने की कोशिश करेंगे, काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आम जनता, साधारण व्यक्ति जो है इस्लामपुर हाई स्कूल ग्राउंड में आ पहुँचे हैं। सीधी तस्वीरें देख पा रहे इस्लामपुर शहर के हाई स्कूल ग्राउंड से, जहां पर अभी अभी जो है हेलीकॉप्टर ट्रायल के लिए जो है इस्लामपुर हाई स्कूल ग्राउंड में आ पहुंची है और यहां पर सारे व्यवस्था को जो है सही से जांच पड़ताल की जा रही है। जब तो की अपडेट रहे तुम्हार का की देखते पाचो किचुखने मध्य देखल किंतु हमारा हेलीकॉप्टर इसे पहुंचे छे एवं विशाल परिमाणे किंतु आम जनता साधारण व्यक्ति इसे पहुंचे छे। की अपडेट रहे तुम्हार का बेस किचुखन आगे जमनटा हमरा एकटी प्रतिवेदन पेश करेछिलाम तखन किंतु हमरा देखते पेरेछिलाम तत्परतार संगे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल थेके शुरू करे पुलिस प्रशासनेर जारा आधिकारिक रयेछे तारा इस्लामपुर हाईस्कुल माठे आसेन एबं इस्लामपुर हाईस्कुल माठे एसे माठेर माझ बराबर हेलीप्याडेर जे जायगाटा रयेछे सेटि किंतु तारा तैरि करते शुरू करेन। तार किचुखनेर मध्येई কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে যে ট্রায়াল রান রয়েছে হেলিকপ্টারের সেটি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে ইসলামপুর মহকুমা শাসক যিনি রয়েছেন তিনি ইতিমধ্যেই যে হাইস্কুল ময়দান রয়েছে সেই ময়দানে প্রবেশ করেছেন। দেখছেন ইসলামপুর মহকুমা শাসক যিনি রয়েছেন আব্দুল সাইদ তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে মাঠে প্রবেশ করেছেন। বেশ কিছুক্ষণ প্রায় ঘণ্টাখানিক আগেও তিনি এসেছিলেন মাঠ পরিদর্শনে, তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর মহকুমা শাসকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি যিনি রয়েছেন জাকির হোসেন মহাশয় থেকে শুরু করে ইসলামপুর থানার আইসি সন্দীপ চক্রবর্তী থেকে শুরু করে নিয়ে ডিএসপি হেডকোয়ার্টার সবাই কিন্তু এখানে আসেন এবং এসে তারা এই যে মাঠ রয়েছে ইসলামপুর হাই স্কুল ময়দান সেই ময়দানে কতটা ঠিকঠাক ব্যবস্থা রয়েছে, কালকে যে হেলিপ্যাড হবে, কালকে যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হেলিকপ্টার ল্যান্ড করবে এখানে জায়গা ঠিকঠাক রয়েছে কিনা তা কিন্তু খতিয়ে দেখে। এবং এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে ট্রায়াল রানে কিন্তু ইসলামপুর হাইস্কুল ময়দান যে রয়েছে সেই ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে হেলিকপ্টার রয়েছে সেটি কিন্তু ট্রায়াল রানে ইসলামপুর হাইস্কুল ময়দানে এসে উপস্থিত হয়েছে। সরাসরি চিত্র নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার পর্দায় আমরা তুলে ধরছি, দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ট্রায়াল রানের হেলিকপ্টার রয়েছে সেটি কিন্তু ইসলামপুর হাইস্কুল ময়দানে প্রবেশ করেছে। ভূম সামনে রাখো। ¡Vamos!
देख पा रहे इस वक्त सीधी तस्वीरें इस्लामपुर हाई स्कूल ग्राउंड से। यहाँ पर अभी अभी जो है ट्रायल के लिए हेलीकॉप्टर जो है इस्लामपुर हाई स्कूल ग्राउंड में उतरे थे। यहाँ पर एकाधिक जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन लोगों के साथ बातचीत करने के बाद पुनः जो है यह हेलीकॉप्टर यहाँ से जाने को तैयार हो रही है। कुछ क्षण पहले ही आप लोग देख रहे थे कि इस्लामपुर महकुमा के महकुमा शासक मोहम्मद अब्दुल शाहिद महाशय भी जो है यहाँ पर उपस्थित हुए थे, तथा जो हेलीकॉप्टर के अधिकारी हैं तथा पायलट हैं उन लोगों से बातचीत करने के बाद यहां से हेलीकॉप्टर जो है पुनः जाने को तैयार हो रही है। और इस दृश्य को देखने के लिए देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इस्लामपुर हाई स्कूल ग्राउंड में आ पहुंचे हैं। और कुछ ही क्षणों की यह बात है, अचानक से जो है यह शेड्यूल बनता है। कुछ ही घंटे पहले जो है हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के सामने पेश किए थे। सबसे पहले नॉर्थ बंगाल में सबसे पहले जो है यह ब्रेकिंग दिए थे कि हो सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शेड्यूल जो है चोपड़ा तथा इस्लामपुर में हो सकता है। सबसे पहले जो है हम लोगों ने ही जो है यह ब्रेकिंग दी थी। और उसके बाद एक घंटे के अंदर ही देख पा रहे हैं कि हेलीपैड तैयार करके वहां पर जो है हेलीकॉप्टर भी जो है आ पहुंची है, तथा अभी अभी जो है उसका ट्रायल हुआ है, तथा ट्रायल के बाद पुनः जो है यह हेलीकॉप्टर उड़ने को तैयार है, यहां से जाने को तैयार है। सीधा प्रसारण आप लोग देख पा रहे हैं एकमात्र न्यूज़ टुडे के पर्दे पर। आपको बताने की कोशिश करेंगे नॉर्थ बंगाल में सबसे पहले जो है न्यूज़ टुडे की टीम ही है जिन्होंने ब्रेक किया कि राज्य की मुख्यमंत्री जो कि कल रायगंज में आने वाली थी उनका जो है शेड्यूल अगर में परिवर्तन भी हो सकता है, तथा चोपड़ा इस्लामपुर में भी जो है वो आ सकती है। और देखते हैं उससे एक घंटे के अंदर ही जो है हेलीपैड तैयार हो जाती है। और इस वक्त हेलीकॉप्टर जो है इस्लामपुर हाई स्कूल मैदान में आ पहुंची है। और इस वक्त जो है ट्रायल देने के बाद यहां से पुनः जो है अपने गंतव्य स्थल की ओर जो है जाने को तैयार हो रही है। हो सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी हेलीकॉप्टर से कल जो है सुबह में आ सकती है। अभी तक टाइम तथा शेड्यूल जो है इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, तथा प्रशासनिक तौर पे जो है अभी भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि प्रशासनिक तत्परता और तैयारी जो है हर तरह से हो चुकी है कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री इस्लामपुर शहर में आना चाहते हैं, यहाँ पर रोड शो करना चाहती है, तो उसके लिए प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयार है। और देख पा रहे हैं हेलीकॉप्टर भी जो है यहाँ से उड़ने को तैयार है। ट्रायल जो है वह संपूर्ण हो चुका है, तथा यहाँ से जाने को तैयार है हेलीकॉप्टर। सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं आप लोग न्यूज़ टुडे के पर्दे पर, लाइव संप्रसारण एकमात्र न्यूज़ टुडे के पर्दे पर आप लोग देख पा रहे हैं। इस वक्त सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं आप लोग न्यूज़ टुडे के पर्दे पर, हेलीकॉप्टर जो है वह ट्रायल के लिए इस्लामपुर हाई स्कूल ग्राउंड में आ पहुंची है, तथा ट्रायल कंप्लीट करने के बाद यहां से पुनः अपने गंतव्य स्थल की ओर जाने के लिए तैयार हो रही है। और इस दृश्य को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में आम जनता, साधारण व्यक्ति जो है इस्लामपुर हाई स्कूल ग्राउंड में उपस्थित हुए हैं।
देख पा रहे हैं कि इस वक्त जो है ट्रायल कंप्लीट करने के बाद यहां से हेलीकॉप्टर जो है पुनः अपने गंतव्य स्थल की ओर जा चुकी हैं, और जो आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे कुछ ही मिनट में यहां पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में कर्मी समर्थक जो है वह जो है इस्लामपुर के हाई स्कूल मैदान में आ पहुँचे। यहाँ पर एकाधिक युवा नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनकी प्रतिक्रिया भी लेने की कोशिश करेंगे। बोलछी किचुखणेर मध्ये आज के दोपुरे হঠাৎ করে যে হচ্ছে একটা সূত্র থেকে খবর পাওয়া গেল যে আগামীকাল হতে পারে ইসলামপুরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আসছে, কি তথ্য রয়েছে? এবং ঘন্টা খানেকের মধ্যে দেখলাম যে হেলিকপ্টার ট্রায়াল হলো, কি তথ্য রয়েছে বাবলু? দেখেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সফরে আগে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন উনি থাকবেন, তো কালকে হঠাৎ আমাদেরকে খবর পাওয়া যায় কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টারটা বাগডোগরা থেকে ওখান থেকে রওনা দিয়ে চোপড়াতে নামবে। চোপড়াতে দিদি একটু 1 কিলোমিটার মতন হাঁটবে, তারপর আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চোপড়া থেকে গাড়ি করে চরঙ্গী মোড় থেকে হাঁটে উনি হাইস্কুল ময়দানে আসবে, এখানে আবার হেলিকপ্টার থেকে উঠে আবার রায়গঞ্জ যাবে। রায়গঞ্জে ওখানে সভা আছে 10:40 সভাটা শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু সে সভাটা একটু ডিলে করা যাবে মনে হচ্ছে আমাদের, যেহেতু দিদি এখানে 12টার সময় আমাদের যে খবর আছে তথ্য আছে যে 12টার সময় আমাদের এখানে মিছিল করবেন উনি। এই যে হঠাৎ করে একটা প্ল্যান, রায়গঞ্জে আগামীকাল হচ্ছে ওনার একটা মিটিং ছিল এবং হঠাৎ করে এই প্ল্যান হয়েছে, এটাতে আপনারা যুবরা? আগে থেকেই প্ল্যান ছিল দিদির, অনেকদিন ধরে দিদি উত্তর দিনাজপুরে সফর করেনি, তার জন্য দিদি সে চিন্তা ভাবনা নিয়ে চলছে। তার আগে আমাদের ব্যানারের কাজ তো কালকে থেকে আমাদের আরম্ভ আছে উত্তর দিনাজপুরে। কখন আসবে জানা গেছে? প্রস্তুতি কতটা রয়েছে আপনাদের? আমাদের প্রস্তুতি অনেক তুঙ্গে আছে, আমরা অনেক উৎসাহিত, আমরা অনেক কাজ করছি, ছাত্ররা যুবরা সবাই লেগে আছে, রাস্তাঘাটে আপনারা দেখতে পারবেন ব্যানার পোস্টার থেকে শুরু করে সব দিক থেকে কর্মীগুলো অনেক উৎসাহিত দিদির জন্য, কালকে অপেক্ষা করছে দিদি যখন আসবেন সবাই দিদি দর্শন করবে। ইসলামপুরের সময়সীমা কখন রয়েছে? 12টা নাগাদ দিদি এখানে আমাদের উপস্থিত হয়ে যাবে কি বলবেন? ঠিক লোকসভা নির্বাচন সামনে রয়েছে 2024-এ, তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর সফর এবং ইসলামপুর শহরে সফর রয়েছে, কতটা উৎসাহিত আপনারা, কি বলবেন? এটা খুব আনন্দের বিষয় যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও এসেছে, কালকেও আসছে, তো এটা অবশ্যই লোকসভা ইলেকশনের আগে এটা আমাদের একটা বাড়তি মানে অক্সিজেন যোগানো, তো এটা বাড়তি পাওনা। তো কর্মী সমর্থকরা তো আছে ইসলামপুর ব্লক থেকে চালু করে ইসলামপুর শহরে প্রচুর পরিমাণে লোক আসবে, কালকে আমাদের যে মিছিলটা হবে আশা করি ভালো মতনই। কি ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে এবং যুবরা আপনারা কতটা উৎসাহিত রয়েছেন এই বিষয়ে? আমরা তো কালকের থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে আমাদের যারা যুব ছেলেরা আছে প্রতিটা জায়গায় লেগে গেছে, ঠিক আছে, ব্লক টাউন সব মিলিয়ে আমরা একসাথে কাজ করছি, আগামী দিনে আরও কর্মসূচি হবে। ঠিক ঠিক ঠিক। हम लोग सीधे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे मोहम्मद बबलू जुबो नेता तथा जीत गांगुली के साथ, और जो जानकारी आ रही है जैसा कि प्रशासनिक तौर पे जो है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के जो नेतृत्वगण है वह पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि निर्णय बना चुके हैं कि राज्य की मुख्यमंत्री कल ही जो है इस्लामपुर शहर में आ सकती हैं। तैयारियां जो है पूरे जोर शोर से चल रही है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, जितने भी न्यूज़ चैनल हो, सबसे पहले न्यूज़ टुडे के पर्दे पर ही जो है यह न्यूज़ ब्रेक किया गया था कि चोपड़ा तथा इस्लामपुर में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आ सकती हैं, और उसके 1 घंटा के अंदर ही जो है इस्लामपुर शहर के हाई स्कूल ग्राउंड में हेलीपैड तैयार हो जाता है, और 1 घंटे के अंदर ही जो है हेलीकॉप्टर भी आ जाती है, तथा कुछ ही क्षण पर पहले जो है यहाँ पर ट्रायल देने के बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर जा पहुँची है। एकाधिक पुलिस अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे तथा इस्लामपुर महकुमा के महकुमा शासक मोहम्मद अब्दुल साहिद महाशय खुद उपस्थित थे। सभी के साथ जो है वह हेलीकॉप्टर की जो टीम थी, पायलट थे, जो अधिकारी थे, उन लोगों ने बातचीत की तथा किस तरह की तैयारियां हुई, इन सब विषयों का जो है निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण किया। अभी भी देख पा रहे हैं युद्ध स्तर पर जो है काम चल रहा है, पूरी तैयारियाँ हैं, एकाधिक प्रशासनिक गाड़ी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, एकाधिक पुलिस अधिकारी है, एकाधिक PW दफ्तर के अधिकारी है, एकाधिक पौरो कर्मी है, तथा कह सकते हैं कि युद्ध स्तर के तरह जो है यहाँ पर तैयारियां चल रही है। पूरे हाई स्कूल ग्राउंड को डबल बैरिकेड से जो है घेरा जा रहा है, तथा जो जानकारी आ रही है कि इस्लामपुर के चौरंगी मोड़ से लेकर इस्लामपुर के हाई स्कूल ग्राउंड तक जो है यात्रा कर सकते हैं, उसको लेकर प्रशासनिक तौर पर जो तैयारियां चल ही रही है, साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस भी जो है कहीं पे तृणमूल कांग्रेस का मदर संगठन हो, युवा संगठन हो, छात्र संगठन हो,
कोई भी संगठन जो है पीछे नहीं रहना चाहती है और तैयारियां में जो है पूरी तरह से लग चुके हैं। और कल जो है राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि इस्लामपुर शहर में कदम रखने वाले हैं, उस दृश्य को जो है देखने के लिए, उस दृश्य में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित हैं। न्यूज टुडे इंडिया के पर्दे पर जुड़े रहिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, हर न्यूज, हर लाइव, हर अपडेट जानने के लिए सबसे पहले और सबसे तेज न्यूज टुडे के पर्दे के साथ।